फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा की रसोई में। तो आज की रेसिपी क्या है आप देखिएगा, और अगर पसंद आती तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज की वीडियो। देखिए, आज हम लेकर आए हैं तुरई की रेसिपी, जो कि बहुत अमेजिंग है। रोज़ रोज़ एक ही तरह की तुरई की सब्जी खा खा के आप लोग बोर हो गए हैं, तो आज की रेसिपी फुल देखिएगा, बहुत अच्छी और बहुत अमेजिंग सी रेसिपी है। तो ये देख सकते हैं, इस तरह से लंबे में हमने तुरई को कट करके रख लिया है। ये देखिए इस तरह से, क्योंकि हम नहीं चाहते थे आप लोगों का सारा समय ख़राब हो, तो बस इस तरह से आपको कट कर लेना है मीडियम साइज़ का। अगर पतली तुरई है तो उसमें 4 टुकड़े करिएगा, मोटी तुरई है तो उसमें 6 भी कर सकते हैं, जितना आपको सूटेबल लगे। एक प्याज ले लिया है, इसको हमने कट कर लिया है रफली। और अब ये देखिए, एक बात और गाइस, तुरई अगर हमारी लचलची सी हो गई हो, बेकार सी लग रही हो, तो उसको हल्का सा पानी में डाल कर रख दीजिएगा, आपकी तुरई जो है वो बहुत अच्छे से टाइट हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। तो चलिए अब मसाला पीस लेते हैं इसका, देख लेते हैं पहले मसाले कि हमें पहले क्या क्या मसाले ऐड करने हैं इसमें, जिससे कि थोड़ा सा टेस्ट में बहुत अच्छा बने। तो ये देखिए, हमने ले लिया है सौंफ 1 स्पून इस तरह से, और अब ले लेना है जीरा 1/2 स्पून, धनिया 1.5 स्पून, काली मिर्च और 2 लौंग ले ली हैं, और 10 से 12 काली मिर्च ले ली हैं, ये देखिए इस तरह से। तो इसको हम और ले लेंगे मगरैल सीड्स यानी कलौंजी, काला यानी एक तरह से देखा जाए इसको काला जीरा भी बोलते हैं। ये देखिए दरदरा सा कूट लिया है इस तरह से। अब इसमें प्याज डालकर इसको हम बारीक कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से पीस लेंगे। देखिए तो ये देख सकते हैं, ये ले लेंगे हम अपना लाल मिर्ची जो कि ऐड नहीं की थी, अब ऐड कर देंगे इस तरह से, इसमें पीस लेंगे। तो ये आपको दरदरा सा दिख रहा होगा अभी, मगर ये दरदरा सा ही टेस्ट लेकर के आएगा हमारी सब्जी में नया। तो ये देखिए ले लेंगे हल्दी पाउडर, ये देख सकते हैं, और अब इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर। देखिए 1/2 स्पून हल्दी पाउडर थी, 1 स्पून धनिया पाउडर। देखिए धनिया जो हमने डाली थी पहले तो वो तो दरदरी रहेगी, मगर इस धनिया से पाउडर से थोड़ा सा थिकनेस आएगी हमारी ग्रेवी में, तो ये बहुत टेस्टी बहुत यम्मी है इस तरह से देख सकते हैं। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। देखिए रोज़ रोज़ की तुरई, सिंपल तुरई बच्चे भी नहीं खाते हैं और बड़ों को भी नहीं पसंद आती है, तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। क्योंकि नई नई जब तुरई आती है ना, तो सिंपल तुरई भी बना के रखो तो वो बच्चों को और सबको पसंद आती है, मगर इस तरह से आज जब बना के रखेंगे ना तुरई, तो आपकी यही तुरई की सब्जी सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो ये देखिए जीरा ले लिया है 1/2 स्पून, ऐड कर देंगे, क्योंकि साबुत जीरे की जो स्मेल होती है वो अलग ही होती है। इस तरह से डालकर इसको थोड़ा सा देखेंगे, मस्टर्ड ऑयल हमने डाल दिया था इसमें, धुआं निकालने तक पका भी लिया था। और अब डाल देंगे वही मसाला जो हमने पीस कर रखा था दरदरा ग्राइंड करके। अब इसको क्या करेंगे, हम अच्छे से फ्राई करेंगे सारे मसालों को। और ये रेसिपी गाइस आप लोगों को बहुत टाइम लगता है बनाने में, मगर इस तरह से जो रेसिपी बनाएंगे ना, तो आपको बिल्कुल झंझट नहीं करना पड़ेगा। आप इस तरह से ऑयल निकलने तक उसको फ्राई करेंगे और बहुत जल्दी बना करके तैयार कर लेंगे, और सबसे अच्छी बात है कि ये यम्मी भी बहुत लगेगी। तो इस तरह से देखिए ऑयल निकलने तक इसको हम पका लेंगे अच्छे से। ये देखिए गाइस, दिख रहा होगा आपको ऑयल खूब अच्छे से निकलने लगा है इस तरह से। तो अब हम अपनी ले लेंगे तुरई और इसमें हम ऐड करेंगे, ये देख सकते हैं अपनी तुरई ले लेंगे, तुरई हमने इसमें ऐड कर दी है। तो ये देखिए गाइस इस तरह से, और अब इसमें हमें और क्या ऐड करना है ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो फुल वीडियो देखिएगा लास्ट तक, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। ये जो रेसिपी है हमारी बहुत 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 अमेजिंग लगने वाली है, इतनी अच्छी रेसिपी बनने वाली है। तो ये देखिए अब हम डाल देंगे थोड़ा सा खटाई के लिए, इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर। आपके पास खटाई हो तो खटाई डाल सकते हैं, बिकॉज हम डाल रहे हैं अमचूर पाउडर। और ये डाल देंगे नमक टेस्ट के हिसाब से इस तरह से, और अब इसमें हम ऐड करेंगे, इसको पहले मिक्स करके फ्राई कर लेंगे अच्छे से मसाले के साथ ही इस तरह से, ये देख सकते हैं। ये देखिए गाइस, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे यानी 1/2 ग्लास के करीब। ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, क्योंकि तुरई में खुद ही अपना पानी होता है, इस वजह से बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, 1/2 ग्लास डालना है पानी, जिससे कि अच्छे से कुक हो जाए, बस इतना हमें डालना है। मगर बने रहिएगा लास्ट तक, बहुत अमेजिंग सी रेसिपी है ये, लास्ट तक बने रहिएगा। तो यानी आप देख रहे होंगे
ये देखिए तुरई हमारी लगभग पकने लगी है इस तरह से, और देखिए किस तरह से पक करके हो गई है। ये थोड़ा सा आपको तुरंत दिखा दिया था, खोलकर ओपन कैमरा रखा था इसलिए ब्लर आ गया है कैमरे पर, तो अभी देखिएगा सही हो जाएगा। ये देखिएगा बहुत अच्छी तुरई की सब्जी बन गई है। इस तरह से आप तुरई की सब्जी बनाएंगे ना तो आप, सही बात है, नॉनवेज खाना भूल जाएंगे, इतना टेस्टी तुरई बनकर तैयार होती है। ये देख सकते हैं, तो इस तरह से हम अच्छे से पका लेंगे तुरई को। तो ये देखिए गाइस, इसको आप अचारी तुरई, मसाला तुरई कुछ भी बोल सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। और ये देखिए भरवा तुरई बनकर तैयार है। देखिए भरवा तुरई को आपको घंटों लगता है काटने, छीलने और भरने में, मगर इस ये टेस्ट भी उसी तरह से आएगा जैसे हम भरवा तुरई बनाते हैं। तो अब ये देखिए इसमें हमने डाल दिया कस्तूरी मेथी, तो ये बन करके तैयार हुआ है हमारा बढ़िया यम्मी सा। और एक बार इस तुरई को आप किसी के साथ खाएं, नान, चपाती, मोटी रोटी, बेसन की रोटी से किसी के साथ भी खाएं, बहुत टेस्टी ये रेसिपी लगने वाली है सच में। मुंह में पानी आ जाएगा। देखिए हम टिफिन में भी यही रेसिपी रख रहे हैं, आप देख सकते हैं। और इस रेसिपी को खा करके आप नॉनवेज खाना भूल जाएंगे, इतनी गारंटी है, क्योंकि इतने सारे मसाले फ्लेवरफुल पड़े हुए हैं कि एकदम से खुद ही कहेंगे कि वाकई में बहुत मज़ेदार थी। तो आई होप आपको ये रेसिपी हमारी पसंद आई होगी। तो ये मॉर्निंग का टाइम है जो कि हमने अपने हस्बैंड के लिए टिफ़िन लगाना था, तो इसीलिए टिफ़िन में हमने सर्व करके दिखा दिया है। तो अगर हमारी वीडियो ये पसंद आती है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो कमेंट जरूर करा करिए, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं। अब इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं सुबह 4 बजे उठना पड़ा था, क्योंकि हस्बैंड को जाना होता है, टाइम से तो खाना देना ही होगा, रेसिपी तो एक तरफ है इस वजह से।